तो लोग गाइस कैसे हो यार। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के हम क्या करने वाले हैं, आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, मतलब इसके अंदर का राज पता करने वाले हैं। ये क्या है, ये हमारे पास एक छोटे सा इसकी डीसी मोटर है। इस डीसी मोटर को हम खोलने वाले हैं और इसके अंदर का राज हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है जिसके मदद से अच्छी तरह से वर्किंग करती है, और देखने वाले कि इसके अंदर ऐसी कितनी सारी मतलब क्या क्या चीजें निकलने वाली है इसके अंदर। आपको तो पता ही होगा छोटी सी लेकर मतलब छोटे से छोटे छोटे टॉयज के अंदर इसी डीसी मोटर का यूज किया जाता है, बट इसको खोल के कभी नहीं देखा। तो आज हमने देखा कि इस डीसी मोटर को खोल के देखते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी चालू कंडीशन में है। हम आपको इसको चला के भी दिखा देते हैं। अब देखना दो वायर्स को हम इस पर टच करते हैं, उसके बाद हमारी डीसी, अब देख सकते हैं इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ये डीसी मोटर अच्छी तरह से वर्किंग कर रही है, अच्छी तरह से मतलब चल रही है हमारी डीसी मोटर। अब हम इस डीसी मोटर को खोलने वाले हैं और उसके बाद इसके अंदर का राज पता करने वाले हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है, मतलब इसके अंदर का राज हम आज पता करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना और देखना कि इसके अंदर ऐसा क्या आता है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ इसके ऐसे मुड़े हुए हिस्से होते हैं, इनको सीधा करने के बाद देखते हैं कि ये खुल जाएगा। शायद खुल जाना चाहिए इनको सीधा करती। तो गाइस ये सीधे, ओ ये देख सकते हैं गाइस, ये पीछे से मतलब इसके ऐसे एक बॉक्स आता है जिसके अंदर दो ऐसे वायर्स निकले हुए होते हैं और वो दोनों वायर्स इस पर टच होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसको निकल जाएगा। हो तो निकल गया। होल्ड राइट गाइज, अब देख सकते हैं इसके अंदर और कुछ भी नहीं होता। इसके अंदर और क्या है, ये दो मेल्ड है गाइज, मेटल मतलब चुंबक है इसके अंदर दोनों तरफ, तो काफी तरीके से फंसाई हुई चुंबक है आप देख सकते हैं। चलिए पहले इनको निकालते हैं, इस चुंबक को बाहर निकालते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो स्क्रू, हम इस ड्राइव को इसके ऊपर टच कर रहे हैं ना, ये भी इसके ऊपर चिपक रहा है। चलिए इस मेटल को बाहर निकालते हैं पहले। ये टूट चुकी है, अब देख सकते हैं इस तरीके की दो छोटी छोटी दोनों तरफ की तरफ से मेटल लगाई हुई इसमें, तो दोनों तरफ हमारे यहाँ पे चुंबक लगाई हुई इसके ऊपर। अब देख सकते हैं इस तरह की चुंबक लगाई हुई, देख सकते हैं बाहर निकालते सारी चुंबक जो है एक जगह पे इकट्ठा होती जा रही है, और इसके अंदर कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं ये खाली बॉक्स है, पूरा खाली बॉक्स है, और ये मेटल इसके अंदर से निकला है। आप देख सकते हैं इस तरीके के मेटल के दो टुकड़े चिपकाए जाते हैं दोनों तरफ से, और ये पीछे का हिस्सा है इसका, पीछे इसी तरीके का एक हिस्सा लगाया जाता है जिसमें दो कॉपर की वायर, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तांबे के तार लगाए हुए हैं पीछे की तरफ जिससे कि इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। और ये रही हमारी डीसी मोटर। तो गाइस चलिए इसको एक बार चला के देखते हैं क्या ये यहाँ पर काम करेगी। ये हमारा बोर्ड आ चुका है और इसके ऊपर हम इस वायर को टच करते हैं, जहाँ पे इसका वायर लगा हुआ था ना उसी जगह पे इसको टच करके देखते हैं क्या ये इस तरीके से भी चलेगा। सो गाइस ये नहीं चल रहा, जब हमने इसको बाहर निकाल के चला रहे तो ये नहीं चल रहा, बट उसके अंदर तो अच्छे से वर्किंग कर रहा था। अब देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चल रही। अब देख सकते हैं इसके अंदर एक इस तरीके का ये लगा हुआ होता है और इसके अंदर तांबे का वायर लगा हुआ है, पूरे के अंदर तांबे का वायर लगा हुआ है। चलिए इस चीज को तोड़ देते हैं पूरे को और निकालते हैं इसको बाहर। तो गाइज इसके अंदर ये तांबे का वायर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये तांबे का वायर यहाँ पे दोनों तीनों जगह पे टच हो रखा है, तो मतलब यहाँ पे तो तीन वायर है। तो एक बार इसको फिर से ट्राई करके देखते हैं क्योंकि इसके अंदर तीन चीजें लगाई गई गाइस, यहां से नहीं चल रहा हो। तो गाइस इसके अंदर थोड़ी सी मतलब चिंगारियां निकल रही इस तरीके से। तो गाइस ये नहीं चल रही, जब इसको हमने बाहर निकाल के निकाल चलाया तो ये नहीं चल रहा।
अब देख सकते हैं इसके अंदर ये छोटे छोटे से लोहे के रोड लगाए हुए हैं। अब देख सकते हैं ये अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है, ये पूरा तो खुलना इम्पॉसिबल है, पूरा नहीं खुल रहा गाइस क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर करा हुआ है इसको। अब देख सकते हैं इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे तांबे का वायर लगाया हुआ है और यहाँ पर ये इसका जो हिस्सा हमारा पीछे की तरफ था वो इसके अंदर लगाया हुआ है, जैसे ये इस तरीके से लगाया हुआ था पीछे। अब ये इसके अंदर इस तरह से घूम रहा था और उसके बाद ऊपर से ये पूरा का पूरा बॉक्स लगा दिया था, जैसे ही बॉक्स के अंदर फिर से इसको ऐसे फिट करके देखते हैं। ओह, बॉक्स ही हमारा यहाँ पे मेल्ट हो चुका थोड़ा सा, तो ये बॉक्स के अंदर नहीं जा रहा। तो गाइस आई होप आपको हमारी ये छोटी सी अनबॉक्सिंग अच्छी ज़रूर लगी होगी, ज़्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर, ये चीज़ें इसके अंदर से निकली है। आप देख सकते हैं इतनी सी चीज़ें इसके अंदर से निकली है, ये रही इसकी सारी चीज़ें। तो आई होप आज की ये छोटी सी वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे जो पहले बार आए ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, छोटे भाई का चैनल है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए थोड़ी सी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।